हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेत के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो पे NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली पे जो पेपर हुआ था HEMM ऑपरेटर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी पे जो ऑल कॉमन पेपर होता है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस पर बताया गया है कि पॉइंट नंबर फोर्थ पे दोस्तों इस पर बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और सभी सही प्रश्नों के लिए एक अंक मिला जाएगा और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये फोर्थ नंबर पे लेकर दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखे दोस्तों, यह OMR शीट पे बेस्ड होगा। दोस्तों यह पेपर 21 जनवरी 2019 को हुआ था अर्थात बैक ईयर पे हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल दूसरे हो सकते हैं लेकिन वर्तमान पे दूसरे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बिप्लव कुमार देव। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनील अरोड़ा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मास्त्र तो बिल्कुल सही जवाब सोचा और इसका आंसर रहेगा ब्रह्मास्त्र, भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। ठीक है, और इस पर फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा फोर्थ नंबर, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2008। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा के लिपि कौन सी, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 33 तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा भारत राष्ट्र की कौन सी भाषा, बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बी देवधर ट्रॉफी, सी विजय हजारे ट्रॉफी, डी विजय मर्चेंट ट्रॉफी, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी विजय मर्चेंट ट्रॉफी तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला फुटबॉल विश्व कप का मेजबान कौन सा देश करेगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान कौन देश करेगा, दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 कतर तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, अर्थात फीफा का मेजबानी कौन सा देश दोस्तों कतर करेगा। क्वेश्चन नंबर 10th की ओर चलते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th है। निम्न से कौन सा महाद्वीप केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो रूस है तो एशिया और यूरोप दोनों पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन नंबर सी जन सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों और इसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये योजना नहीं चली है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th की ओर चलते हैं। अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है, बताइए दोस्तों।
और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड व वेल्स। इसका आंसर आई होप आप सभी लोग को पता रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 दुबई, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आवर्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, भारतीय सैन्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है इस, और इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। वर्तमान में दुनिया का कौन सा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश को जोड़ता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 16 का। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी भारत, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा भारत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन ब्लड, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारत में IPL 20 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था सन 2008 में, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है? दोस्तों इस पर पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी 2, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से घिरा हुआ है? दोस्तों यह बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग को पता होगा, और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, पद्मावत किसकी रचना है? और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी वंकिम चंद्र चटर्जी, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की थी? कामायनी जो की थी जयशंकर प्रसाद ने की थी, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? उपवास का पर्यायवाची नहीं है, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वन रंदालु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। यदि आपने सोचा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वीकार, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 25वां का आंसर रहेगा अस्वीकार आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सॉरी बी, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्या रहेगा दोस्तों, गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है? क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है?
बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा 29 में है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 29 में का। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और कर्नाटक, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। भारत में अंतिम जनगणना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर वो ए 2011, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, क्योंकि जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए धनबाद, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, जमशेदपुर इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन आने लगे। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? बताइए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर सही बताएंगे। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी कमल, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी रिवर डॉल्फिन, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 37, भारत में प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा 37 में का। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर वन रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसका राइट आंसर रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, और इसका आंसर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर वन वेडन पोवेल, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों वेडन पोवेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। वाटर पूछा है वाटरलू निम्न में से किस से संबंधित है? वाटरलू किस से संबंधित है, और 40 में का क्या आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ गए। चलिए दोस्तों तो मैथ के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, यदि वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर की चाल से और आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा करता है, तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? बताइए अपने को इसको हल करना है। कैसे करेंगे दोस्तों अपने सर पर इसको हल करने के लिए? दोस्तों अपन मानेंगे कि जैसे कि टोटल यात्रा, ठीक है, टोटल यात्रा कितने घंटे पूरी करता है दोस्तों? वो 10 घंटे में पूरी करता है, ठीक है। आधी यात्रा दोस्तों ये अपनी आधी यात्रा हो गई, आधी यात्रा को 21 किलोमीटर की चाल से और आधी यात्रा 24 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है। अपने को टोटल यात्रा अपने को ज्ञात करना है, अपने को ये पता नहीं है, ठीक है। अपन यह मान सकते हैं कि इतनी यात्रा जो है तो x किलोमीटर है और इतनी यात्रा x किलोमीटर है, तो टोटल यात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये यहां से लेकर यहां तक अपनी टोटल यात्रा हो जाएगी 2x हो जाएगी, xa टोटल यात्रा हो जाएगी अपनी 2x हो जाएगी, ठीक है। अपने को यही याद करना है, ठीक है, तो अपने को टोटल यात्रा करना है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे एक्स और इसको जोड़ देंगे, बराबर इसको कर देंगे, अर्थात क्या रहेगा दोस्तों, एक्स बटे 21 प्लस एक्स बटे 24 बराबर 10। इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हल करेंगे जब तो एक्स की वैल्यू की क्या आ जाएगी दोस्तों, एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों 112, ठीक है। और अपने को टोटल कितना ज्ञात करने से, टोटल यात्रा मैंने बताया था ना आपको, टोटल जो डिस्टेंस था अर्थात ये अपना टोटल डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ x है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। x की वैल्यू जब आ गई अपने को
एक्स की वैल्यू है दोस्तों अपने पास 112, तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर क्या हो जाएगा 224, दो का गुणा करा देंगे अर्थात 224 इज द राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 42, दो ट्रेनों के चालों का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है तो पहले ट्रेन की चाल क्या होगी। दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे बता रहा हूँ आपको, दो ट्रेन है एक दो, ठीक है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ठीक है, चालों का अनुपात क्या है दोस्तों, पहले की चाल 7 के मान लिए दोस्तों के अपने से, और दूसरे की ट्रेन है 8 के, ठीक है। दोस्तों इस पर बोला है कि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल हो जाएगी दोस्तों 400 में 4 का भाग दे देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 400 और समय कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा 100। लेकिन दूसरी ये तो चाल आ गई दूसरी ट्रेन की, और एक्चुअल वैल्यू क्या है दोस्तों, ये लिखा है 8 के, दूसरी ट्रेन की चाल है 8 के, ठीक है, तो 100 पे 8 का भाग दे देंगे, 100 बटे 8 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 4 का भाग दे देंगे तो 25/2, अर्थात के की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, के की वैल्यू आ गई 25/2, ठीक है दोस्तों, के की वैल्यू जब आ गई तो के की वैल्यू को 7 के साथ गुणा करा देंगे तो पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो क्या कैसे करेंगे दोस्तों, और लिखेंगे पहली ट्रेन की चाल, फर्स्ट ट्रेन की चाल, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की चाल बराबर क्या होगी दोस्तों, 7 के, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की चाल 7 के थी, लेकिन के की वैल्यू अपन अभी क्या याद करिए दोस्तों, 25/2, इसको गुणा करा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 25 में 7 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 175, 175 में 2 का गुणा करा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अर्थात कौन सा ऑप्शन है इसका रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, अकबर, अमर और एंथनी की आयु का योग 80 है, 3 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना रहा होगा, बताइए दोस्तों 3 साल पहले, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 साल पहले बोल रहे हैं, 3 साल पहले मतलब तीनों की उम्र का 3 गुना कर देते हैं, मतलब 3 साल पहले तीनों की उम्र का 3 गुना, अर्थात 80 से दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, 80 से 9 को घटा देंगे, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, 3 हैं, 3 में 3 का गुणा करा रही है दोस्तों आगे, तो कितने आ गए 9 आ गए, 3 में कितने लोग हैं, अकबर, अमर और एंथनी दोनों हैं, और कितने साल बोला पहले बोला दोस्तों, 3 साल पहले, 3 साल का गुणा करा दें तो कितना हो गया दोस्तों, टोटल 9 आ गए, और कितनी हो रही होगी वर्तमान में कितना है दोस्तों, अभी 80 है, 80 में जब 9 को घटा दिए तो कितना आ गया दोस्तों, 71 आ गया, इज द राइट आंसर। क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। अकबर सॉरी दोस्तों अमर अकबर से बड़ा है और राजेश से छोटा है, सुरेश से मोटा है और राजेश से पतला है, और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35 साल है, ठीक है, तो अकबर की उम्र क्या है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, इस पर क्या बोला है दोस्तों, अब पढ़िए दोस्तों ध्यान से, अब एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, इस पर अकबर की उम्र फिर दी है और इसमें भी अकबर की उम्र पूछा है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर की उम्र 20 साल है, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर की उम्र भी 20 साल होगा, ये तो दिया ही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, एक अनानास यदि 7 रुपये का है और यदि एक तरबूज 5 रुपये का है, यदि इन फलों को खरीदने के लिए एक्स ने 38 रुपये खर्च किए तो अनानास कितने खरीदे, बताइए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे। दोस्तों यदि मान लेते हैं अनानास को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और तरबूज को वाई मान लेते हैं, ठीक है, आपने मान लिया, तो 7 रुपये 7x, ठीक है, प्लस 5y बराबर 38 हो गए, ठीक है, अपन इसको मान लिए, ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, पक्षांतर कर देते, पक्षांतर करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 5y बराबर 38 - 7x, ये हो जाएगा, अपन अब 5 को भी यहाँ तक पक्षांतर कर देते हैं, ये 5 को भी यहाँ पास पक्षांतर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर 5 को पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 38 - 7x/5। दोस्तों आपको क्या दिख रहा है कि
वाई को पूर्ण वर्ग बनाना, मतलब पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, जो दो के वर्ग हो सके उस टाइप में अपने को बनाना है। तो इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक एक मान को रखते हैं, लिख देते हैं कि दो का मान रखेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, तीन का मान रखते हैं तो नहीं बन रहा, यदि चार को रखते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। ए 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो बताएं सी डी से कितने साल बड़ा है। 46 क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों, अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, एक बाग में आम के पेड़ हूँ कि 10 पंक्तियाँ और 12 स्तंभ है, प्रत्येक पेड़ के बीच में 2 मीटर दूरी पे है, बाग की बाहरी सीमा के चारों तरफ 1 मीटर पेड़ लगे हुए, इस पर स्थित बाग की कुल लंबाई कितनी होगी। दोस्तों एक आम का बगीचा है, ठीक है, एक आम का बगीचा है, ये आम का बगीचा है, ठीक है, इस पर 12 रो है, 1 2 3 4 मतलब इस टाइप की 12 रो है, और इस टाइप की कितने हैं दोस्तों 10 रो है, ठीक है, 12 पंक्तियाँ हैं, 12 पंक्तियाँ और 10 रो हैं, ठीक है, 10 रो हैं, ये अपने को दिया है दोस्तों, ये 12 पंक्तियाँ हैं, इस पर गैप देखोगे ना, मतलब यहाँ पास गैप देखोगे, ये गैप देखोगे तो कितने गैप मिलेंगे दोस्तों, 11 मिलेंगे, ठीक है, उन्हीं 11 को 2 के साथ गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22, और इसका आंसर की भी क्या रहेगा दोस्तों 22 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। एक दर्जी एक कपड़े की थान से शर्ट बनाने के लिए कपड़े काटने के लिए देता है, एक थान को वो 10 बराबर भागों में काटता है, यदि वह 45 बार यदि 1 मिनट में 45 बार काट सकता है तो बताए कि 24 मिनट में कितनी बार थान को काट देगा। दोस्तों 10 बराबर हिस्से कर रहा है, 10 बराबर हिस्से जब करेगा तो उस पर कितने गैप रहेंगे दोस्तों, जब 10 बराबर हिस्से करेंगे इस टाइप के कपड़े के 10 बराबर हिस्से करेंगे तो उस पर टोटल कितने गैप रहेंगे दोस्तों, 9 गैप रहेंगे, ठीक है, 9 गैप रहेंगे। 1 मिनट में दोस्तों वह कितना कर रहा है, 45 कर रहा है, ठीक है, तो 24 मिनट में कितने थान काटेगा, अर्थात कैसे करेंगे दोस्तों इसको, 45 × 24/9 तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 45 × 9 = 9, ठीक है, 9 × 9 = 45, 24 × 5 = 120 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 49, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, चिड़ियाघर में उनके सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 80 है, और उनके पैरों की संख्या कुल कितनी है 200 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने मोर है अपने को ये ज्ञात करना है। दोस्तों चिड़ियाघर पे हिरण और मोर है, तो अपन हिरण को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और मोर को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई मान लिए। अब इनके बोल रहे हैं दोस्तों उनके सिरों की संख्या, दोस्तों सिर तो एक ही होगा ना, चाहे हिरण कहो चाहे मोर कहो, तो उनके सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 80 है, ठीक है, और अपने क्या बोल रहा है, योग, योग के लिए बोल रहे हैं, योग हो गया, ठीक है, और उनके पैरों की संख्या है दोस्तों, हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और मोर के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर होते हैं, ठीक है, कितना दिया दोस्तों, इनकी संख्या 200 है। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, वाई की वैल्यू अपनी आ जाएगी 60, और यही अपने को पूछा है, ठीक है, एक्स व वाई की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो मोर की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। आज एक पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, जबकि आज से 5 साल पहले पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा था, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, बताइए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल पहले की बात कर रहा है 3x, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहियाँ मारती हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहियों को कितने दिन में मारेगी, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी, 100 चूहियाँ बोल लेना, तो 100 दिन पे ही मारेगी, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। एक किसान एक वर्गा खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई, ठीक है, इसके लिए वर्गा खेत के हर दिशा में 27 खंभे लगाएं, तो किसान को कुल कितने खंभे लगाए गए। दोस्तों एक वर्ग दिया है, अपन वर्ग बना दिए दोस्तों, ये वर्ग है, ठीक है, इसे चारों तरफ बाड़ लगाई गई है, अपने बाड़ लगाई गई एक तरह से, ठीक है, इस पर 27 खंभे हैं, ठीक है, वर्गाकार, ठीक है, तो अपने को क्या बोले कुल कितने खंभे लगाए हैं, तो अपन वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 गुट्टे भुजा, ये बाढ़ इस टाइप में लगेगा ना, इस टाइप में वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुट्टे
भुजा, भुजा को आपने मान लिया दोस्तों, खंभे को भुजा मान लिया, तो 4 × 27 = 108 इज द राइट आंसर। इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 108 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। दोस्तों आज वरुण का जन्मदिन है, आज के दिन एक साल पहले उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र से दोगुनी थी, तो वर्तमान में वरुण की कितनी उम्र होगी, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 ईयर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। एक बतख के आगे दो बतख, बतख के बीच है दो बतख, एवं एक बतख दो बतख के बीच में विन्यास में तैरने के लिए कुल न्यूनतम कितने बतख होनी चाहिए, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। 54, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमेशा इसका आंसर क्या रहता है दोस्तों, 3 ही रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं, जो कि मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती, तो क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसमें 3 का भाग चला जाता है इसलिए इसकी ये संख्या नहीं हो सकती, क्या रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है दोस्तों 56, एडवाइजर का हिंदी में अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी सलाहकार, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, और इसका आंसर रहेगा क्या दोस्तों, सलाहकार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं, एडिक्यूट में हिंदी का अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका हिंदी मीन्स क्या होगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी उचित, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58 की ओर चलते हैं, एक्सेप्ट का हिंदी में क्या मतलब होता है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, और इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वीकार इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर बंध किस नदी पर बना हुआ है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा 59, और 59 का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रियान नदी पर बना हुआ है। दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 60, श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए दोस्तों 2, 4, 10, 28 और 244 इस पे क्या आएगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी 82, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, 82 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं, दोस्तों ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें पूछा है 1, 2, 4, 7, 11, 22 और 29, ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे 1, 2, 4, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 22 और 29, दोस्तों इस पे देख रहे हैं 1 व 2 में कितने का गैप है, 1 है, और इस पे कितने का गैप है, 2 का, और इसके कितने का गैप है दोस्तों, 3 का, और इसके कितने का गैप है, 4 का, तो 11 के बाद क्या रहेगा दोस्तों, 11 के बाद दोस्तों अब जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 16, तो इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों, 16 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं, सेंड में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी DW, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। किस भारतीय राज्य को भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, दोस्तों इस पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 63 पे, किस भारतीय राज्य में भारत के राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है, क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोवा इज द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, भारत में निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा का साझा करता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप भारत से जितने भी पड़ोसी देश जुड़े हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन इस पेपर में पूछते हैं। चलिए दोस्तों अगर इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान इज द राइट आंसर, बहुत ही कम सीमा का साझा करता है। ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है, बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर, 65 का आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों अगर आपने सोचा मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी क्या थी, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा अहमदाबाद तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी क्या थी, अहमदाबाद। दोस्तों अगर वर्तमान में पूछते तो क्या थी, गांधीनगर इज द राइट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। और लेकिन ये पूर्व में पूछा गया था गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों अभी, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। गुजरात के निम्न में से किस खेल में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, किस जिले में स्थित, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इस पे दोस्तों क्वेश्चन गलत बता दिया है, क्वेश्चन ये होगा दोस्तों गुजरात के किस नदी के किनारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है, बताइए दोस्तों, और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश राज्य में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी, बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका आंसर। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, यह 1911 में भारत की राजधानी बनी थी एक दिन के लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 7500 kg तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RTO के फार्म 20 की उपयोगिता क्या है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, RTO से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी वाहन के पंजीकरण के लिए एक आवेदन फॉर्म, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति RTO नहीं करता है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 73। निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति RTO नहीं करता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना, तो बिल्कुल सही जवाब सोचे दोस्तों, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुँच रहे हैं और यातायात हेतु पीली बत्ती दिखे तो आप क्या करेंगे, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए वाहन धीमा कर रोक देंगे, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। अगर आपके पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, केवल एक लाइसेंसधारी के साथ व्यस्त घंटों में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप अपने साथ केवल एक ही राहगीर को बैठा सकते हैं जबकि वो प्रशिक्षक हो, ऑप्शन नंबर डी आप मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर से गति नहीं चला सकते, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल एक लाइसेंसधारी के साथ, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, यह किस पे लिखा हो तो बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी पंजीयन प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, पंजीयन प्रमाण पत्र दिखाकर
कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं यह पता किया जा सकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा 77 का। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, यह यातायात चिन्ह बनाए गए हैं, इसका क्या आंसर है बताइए दोस्तों। यह जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी आगे सक्रिय सड़क है तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 उत्सर्जन के विभिन्न नहीं सॉरी उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन मानक पूरे भारत में 2020 में लागू की योजना है, बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा। उत्सर्जन के संबंध में कौन सी योजना जो पूरे भारत में लागू की जाने वाली है दोस्तों। अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी BSVI तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, यह जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करते बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए आगे चौराहा है तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन किस से संबंधित बताइए दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप जानते होंगे चिपको आंदोलन वनों के कटाव से संबंधित तो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किया गया, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 83 का आंसर। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी सन 2000 तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड लागू किया गया सन 2020 पे। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 है दोस्तों, भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के लिए मानक लागू किया गया, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर है दोस्तों सन 1992 इज द राइट आंसर। 88 पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है उसका नाम क्या है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए मिल्की वे तो इज द बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारक है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों अर्थात ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट आंसर सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर पर यही क्वेश्चन आते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी 5 जून तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक कौन सा है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख कारक क्या है, दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए मोटर व्हीकल तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। ओजोन वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे HEM ऑपरेटर के आल रेड के लिए। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बस ये दोनों रहेंगे इसका आंसर दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। CNG क्या है, दोस्तों CNG क्या है बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी साफ सुथरा इंजन तो ईंधन तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें उपयोग होते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर डी सभी में तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, अर्थात रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर परफ्यूम सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण कारक है, बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग का, श्वसन संबंधी बीमारियों का, ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी मृदा अपरदन का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए श्वसन संबंधी बीमारियों को, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। भारत सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चली थी, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चली थी, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी सन 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी सन 1853 पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की चलते हैं। संपूर्ण विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा कोल उत्पादक देश है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर बी चीन, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, सबसे ज़्यादा कोल चीन पर स्थित है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए झारखंड, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। पेंसिल बनाने में किन कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपने सोचा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, तो बिल्कुल सही जवाब सोचा, आज मैंने HEMM ऑपरेटर के आल ट्रेड के पेपर को कंप्लीट कराया दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसे लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।